जन्मभूमि टाइम्स से मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आवाज टीवी। चलिए करते हैं खबरों से शुरुआत। तहसील लांजी अंतर्गत ग्राम पाथरगांव निवासी धनेश दुरुककर, जो कि अपने कुछ मांगों को लेकर दिनांक 25 अप्रैल से भूख हड़ताल पर तहसील कार्यालय के सामने बैठा था, जिसके द्वारा बताया गया कि पूर्व सरपंच प्रभावती पति सुरेंद्र उरेड़े के द्वारा पटवारी तथा तहसीलदार के साथ मिलकर उसकी भूमि हक की जमीन पर बने मकान को अतिक्रमण में है कर तोड़ दिया गया, जिस वजह से धनेश दुरुककर का परिवार पूरी तरह से टूट चुका है, जिनको देखते हुए धनेश के द्वारा सरपंच का घर नाप कराने के आवेदन दिया गया। पूर्व सरपंच के परिवार के द्वारा शासन की 22 डिसमिल भूमि पर अतिक्रमण करना पाया गया, जिसके उपरांत तहसीलदार के द्वारा कार्रवाई करते हुए जमीन से बेदखली के आदेश भी पारित किए गए, लेकिन उसके बाद आज तक जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसको लेकर धनेश के द्वारा लगातार 8 दिनों तक भूख हड़ताल किया गया, जिसकी बिगड़ती हालत को देखते हुए 2 मई सुबह 9 बजे पुलिस के द्वारा धनेश को भूख हड़ताल स्थल से उठाकर सिविल अस्पताल लांजी में भर्ती कराया गया तथा आज 3 मई की शाम 5 बजे तहसीलदार महोदय सिविल अस्पताल पहुंचकर धनेश दुरुककर के अतिक्रमण हटाने हेतु आश्वासन देते हुए जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया गया। लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। सर, आज जो अनशनकर्ता को आपने अनशन तोड़वाया जूस पिलवा करके, सर आपने क्या आश्वासन देकर के अनशन तोड़वाया? जैसा कि विदित है कि हम धनेश दुरुककर जो है निवासी पाथरगांव, 25 तारीख से पाथरगांव में अतिक्रमण करते हैं, उनके विरुद्ध जो है अनशन पर बैठे हुए थे। पूर्व में हमारे द्वारा जो है अपने पत्रों के माध्यम से और मौखिक रूप से मेरे द्वारा स्वयं 4 बार जाकर के धनेश को समझाया गया था जी। और धनेश जो है थोड़ा सा अस्वस्थ होने के कारण उन्हें हमने कल हॉस्पिटल में एडमिट कराया। आज धनेश स्वस्थ हो गया है और चूँकि हमने जो बातें कही थी धनेश ने उसको समझा, 2-3 बार हम लोग हॉस्पिटल में मिलने आए थे। हमने यही कहा है कि चूँकि अतिक्रमण एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसके तहत हम अतिक्रमण हटाने का जो है समय सीमा में कार्रवाई करने का करेंगे, तो धनेश ने उसको माना है और आज जो है उसने अपना इसी आश्वासन पर अपना आंसर समाप्त किया जी। सर, कोर्ट के क्या आदेश थे पूर्वों के? पूर्व की कोर्टों में जो है 2011 में एक अनाविधक के विरुद्ध आदेश हुए थे, अनाविधक चूँकि मृत हो गए हैं इसलिए उसमें कार्रवाई संभव किया जा पाना नहीं था, इसलिए हमने नवीन प्रकरण दायर किया है, उसमें प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है और जल्दी आदेश होगा। सर, ये अतिक्रमण हटेगा? सर, ये अतिक्रमण न्यायालय प्रक्रिया के तहत हम पूरा प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द हट जाए। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। अभी की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आवाज टीवी। अपने आसपास की खबर प्रसारित करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7517560101 पर संपर्क करें, वेब पोर्टल jbtawaz.com लॉगिन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।